फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम पिज़्ज़ा के लिए सॉस तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमने पैन ले लिया है, इसमें हम एक चम्मच तेल डाल देंगे। इसमें हमने एक चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें कटे हुए लहसुन डाल देंगे। इसे हम थोड़ा सा पका लेते हैं। अब हम इसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे। अभी ये प्याज और लहसुन थोड़े से पक चुके हैं। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डाल देंगे। आधा चम्मच हम इसमें ओरिगेनो डाल देंगे। आधा चम्मच हम इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे। एक चौथाई चम्मच इसमें काली मिर्च पाउडर। एक चम्मच हम इसमें शुगर डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब इसे रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं, इसमें से पानी सारा सूख चुका है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। इसे हम 5 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं। जब तक सॉस का मिक्सचर ठंडा हो रहा है, तब तक हम पिज़्ज़ा के लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसमें हम एक चम्मच ऑयल डाल देंगे। इसमें हमने ऑयल डाल दिया है। आज मैं फिलिंग थोड़ी सी फ्राई करके बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसी पसंद है। आप चाहे तो बिना फ्राई किए हुए भी डाल सकते हैं उसमें फिलिंग। इसमें हमने कटे हुए प्याज डाल दिए। अब हम इसमें कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़े से कॉर्न डाल देंगे। इसमें हम आधा चम्मच नमक डाल देते हैं। आधा चम्मच हम इसमें ओरिगैनो डाल देंगे। एक से चौथाई चम्मच इसमें काली मिर्च पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इसे हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। सॉस के लिए मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो गया है। अब हम इसे मिक्सर में डाल देते हैं सॉस बनाने के लिए। अब हम मिक्सचर को ग्राइंड कर लेते हैं। इसे हमने ग्राइंड कर लिया है। ये सॉस बनकर तैयार हो गई है। इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। ये सॉस बनकर तैयार हो गई है। अब हम पिज़्ज़ा तैयार कर लेते हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए आज हमने रेडीमेड बेस ले लिया है। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। आज हम पिज़्ज़ा को पैन में बनाएंगे। इसके ऊपर हम सॉस लगा देते हैं जो हमने बनाई थी।
इसके ऊपर हमने सॉस लगा दी है। अब हम इसमें मोज़रेला चीज़ लगा डाल देंगे। इसे हम थोड़ा सा कद्दूकस करके डालेंगे। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा चीज़ डाल दी है। अब हम इसमें टॉपिंग डाल देते हैं। इसके ऊपर हमने टॉपिंग डाल दी है। अब हम इस पर चीज़ थोड़ा और डालेंगे। इसके ऊपर हमने चीज़ अच्छे से डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर मिक्स हर्ब्स डाल देंगे। हम इस पर चिली फ्लेक्स डाल देंगे। पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमने गैस पर तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा पैन रखेंगे। ये इसीलिए रखते हैं ताकि पिज़्ज़ा नीचे से जले ना, इसीलिए हम इसे तवे के ऊपर रखेंगे। इसे हम तवे को पहले अच्छे से गर्म कर लेते हैं। अब तवा अच्छे से गर्म हो गया है। इसके ऊपर हम अपना पिज़्ज़ा वाला पैन रख देंगे। इसे हम कवर कर देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। पिज़्ज़ा को रखे हुए हमें 20 मिनट हो गए हैं। अब ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया है। चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। हमें इसे इतना ही पकाना है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम पिज़्ज़ा को कट कर लेते हैं। ये देखिए, ये बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी नई डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।